तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों हाल ही में एक नया ड्रामा आया है, ठीक है, इसके बारे में हम काफी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, इसके टीजर्स हमने देखे हैं, इसके ओएसटी के ऊपर हमने रिएक्ट करा हुआ है और जब भी हमने कोई वीडियो इस ड्रामा के ऊपर बनाया है सिर्फ अच्छी बातें ही करी हैं, सिर्फ हम इंप्रेस हुए हैं, सिर्फ तारीफ करी है हर एक चीज के बारे में, चाहे वो विजुअल्स हो या ऑडियो के बारे में जब भी हमने बात करी है, ठीक है। लेकिन जब ये ड्रामा आया, जब इसका पहला एपिसोड आया, दूसरा एपिसोड आया, अभी शायद 6 से 8 एपिसोड इस ड्रामा के आ चुके होंगे, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बुराई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने खुद इसके कुछ एपिसोड्स देखे हैं और वो लोग बुराई क्यों कर रहे हैं मैं वो चीज़ भी बखूबी समझता हूँ कि उन चीज़ों के क्या रीज़न रहे होंगे, ठीक है। वो चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, वो बातें हम जब इस ड्रामा के 10 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके ऊपर हम एक रिव्यू लेकर आएंगे, तो वो सभी बातें हम उस वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम फिलहाल ये जो ड्रामा है सुन मेरे दिल, इस ड्रामा के बेस्ट एडिट्स के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, बस इतना बताऊंगा, मुझे तो काफी बढ़िया लग रहा है। जिस तरीके की इस ड्रामा की स्टोरी है, जैसे कैरेक्टर्स खलीलुर रहमान साहब ने लिखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं, मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं कि एडिट्स कुछ बहुत ही खतरनाक बनाए हों जो भी एडिट्स एडिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बिलाल का जो वहाज अली का जो कैरेक्टर है बहुत ही बढ़िया है, जो एक्सप्रेशन देते हैं, बोलते कम है लेकिन उनके फेस से, ज्यादातर उनके क्लोजअप शॉट्स ही लगते हैं, फेस से बातें करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बहुत ही अच्छे एडिट समय इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, काम चल रहा है उन वीडियोस पे, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना आप सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग हमारे साथ कुछ एडिट्स शेयर करना चाहोगे तो यहाँ पे नहीं, आप इंस्टाग्राम पे जाकर हमारे साथ वहाँ पर कुछ एडिट शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोग किसी वीडियो के बारे में आइडिया देना चाहते हो, रेकमेंड करना चाहते हो कोई चीज़, आप लोग कोई चीज़ रेकमेंड करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में यहीं पे बता सकते हो। फिलहाल सभी चीज़ों को होल्ड पे रखते हैं और ये जो ड्रामा है सुन मेरे दिल, इसके एडिट्स पे चलते हैं। आई विल वॉच सुन मेरे दिल फॉर द प्लॉट। क्या डिफरेंट कैरेक्टर लिखा है ना, और किस तरीके से वहाज प्ले कर रहे हैं, मतलब हर बात इनकी आप सीरियस ले लोगे। मिर्जा साहब की बेटी का नाम मालूम है? जी सर, सदफ नामदार। सदफ, हाँ तुर्किश ड्रामा वाइब्स। हीरामानी की ड्रेसिंग को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ना, जो भी कॉस्ट्यूम्स रहती हैं इनकी, सुना है मैंने सब इस ड्रामा में। मिर्जा साहब की बेटी का नाम मालूम है? दूसरी बार नाम पूछ रहे हैं। अरे यही सीन मेरे को याद है, ये जो ऐसे किया था, क्रेजी कैरेक्टर यार। शायद वो बिलाल अब्दुल्ला को भी ज्वाइन नहीं करेगी। दैट आई नो। आई कॉन्टेक्ट की बात है भाई, छोटी छोटी बातें पकड़ लेता है ना। वन साइडेड लव ऑलवेज हर्ट्स। शी गुड इनफ? खूबसूरत है। हाँ यार, ये बात नोटिस की होगी सबने, अमार और हीरा का कैरेक्टर, ये विलन भी बनेंगे, इनका दिल भी टूटेगा। तुम हो ही नहीं सकते, नेवर। बात तो तब है कि जिससे आपको मोहब्बत हो,
भी आपसे मोहब्बत करता हूं। बात तो तब है, वरना तो बेकार है, बकवास है, किसी को कहने के लायक भी नहीं है बात, है ना। Not interested in others. The one whom I interested. बिलाल अब्दुल्ला को हम कब नॉर्मल देखेंगे, है ना। अभी तो वो काफी दुखी रहते हैं, कभी कभी खुश होते हैं। एयरपोर्ट सीधा तुम्हारे घर। फाइनली गोइंग टू मीट। वन ऑफ माई फेवरेट सीन है ना, अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं। आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी ने। लेकिन पीते हुए मेरी बेटी को डिस्कस मत कीजिए। आपको बुरा लगेगा सर, लेकिन पीते हुए प्लीज मेरी बेटी को डिस्कस मत कीजिए। सॉरी, इट्स ओके। मेरे साथ आपका कैरेक्टर ग्रेट था, है ना। पैसे कितने तुम्हारे पास? पैसे? तुम्हारे वॉलेट की बात नहीं कर रही। तुम्हारी औकात की बात कर रही। इसलिए तुम चली भी जाओ तो सोचता भी नहीं हूं कि तुम कहां भी। नाइस, इस कैरेक्टर के लिए नाइस है ना। बढ़िया कैरी किया है ना ये वाला एटीट्यूड, क्या फर्क नहीं पड़ता। छुट्टी कीजिए। अस सदफ अस सड़क पर बिलाल अब्दुल्ला से मिलने जा रही। सड़क पर क्या जवाब है तुम्हारा? जहर तो है ना तुम्हारे पास? जहर पिलाओगी मुझे? अरे नहीं, मैं क्यों पिलाऊंगी, वो तो इंशाल्लाह तुम खुद पियोगे। सुन रहे हो ना? अभी तो मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन बाद में ये विलन का काम करेंगे जितना मुझे लग रहा है। शायद मैं 25-30 लाख का बंदोबस्त कर सकता हूँ। नहीं, बंदा प्यार तो करता है ना, फीलिंग्स जेन्युइन है। 8 करोड़ मिल गया मुझे। हैरान हो जाता है। तुम्हें क्यों दे रहे? In just 20 minutes, तुमने कहा उसने कर दिया, क्यों? तुम 25-30 लाख का बंदोबस्त क्यों कर रहे थे? तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं। अरे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम भी बहुत प्यार करते। खत्म कर दिया बेचारे को, है ना। He promised her father not to see her, but interesting यार, मेरे को तो अच्छा लगता है ना। करेंगे बात उसके बारे में, खुल के बात करेंगे। Thank you.
डायलॉग जहर। क्या कैरी किया है भाई खुद को। When rich guest come to my home, छह करोड़ खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। ओके दोस्तों, तो ये रिपीट पे चलता है, जब ये खत्म होता है ना तो फिर से पहला एडिट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे मुझे पता चला, तो उन सभी बातों को छोड़ते हैं। अगर मैं बात करूं एडिट्स के बारे में, तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था बिल्कुल उसी लेवल के एडिट्स थे, मुझे अच्छे लगे, बहुत ज्यादा अच्छे लगे। हर एक तरीके का इमोशन जो भी चल रहा है, जो थोड़े बहुत फनी मूवमेंट्स, जो थोड़े बहुत वैसा कुछ चल रहा है ना, मतलब जो कन्फ्यूजन बिलाल अब्दुल्ला के दिमाग में है, जो कुछ थ्रिल उसकी लाइफ में आया है, नामदार साहब की बातें जो उसको बुरी लगी, फिर वही बातें उसे एक सीख सी लगी अपनी ज़िंदगी में, मुझे सुधार करना चाहिए, सब कुछ सब कुछ। फर्स्ट वो आई कॉन्टैक्ट वाला, वो मीटिंग वाला, हर एक चीज़ बहुत ही ग्लोरीफाई करके, बैकग्राउंड म्यूज़िक अपलिफ्ट करके इसमें एडिट करके डाली हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। अब मुझे नहीं पता, जब मैं ये वीडियोस फिर एडिट करता हूँ तो इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, क्योंकि कोई गाना कहीं से है, कोई गाना किसी और लेवल से है, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए शायद मुझे कहीं कहीं पर म्यूट करना पड़े, शायद कहीं कहीं पर वो ज़्यादा कंप्रेस करना पड़े, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यार, ये एडिट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जिस तरीके से कैमरा की मूवमेंट्स तो वैसी नहीं होती, लेकिन एडिट्स में कुछ तो इफेक्ट्स डाल के ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया वो फिर दिखता है। अच्छे बनाए थे जिसने भी बनाए हुए हैं, बढ़िया था। बाकी अगर इस ड्रामा के बारे में बात करूं, तो अभी तो मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा इस पर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसके बारे में हम बात करेंगे जब इसके पहले 10 एपिसोड आ जाएंगे पूरे, तो बात करेंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे डिफरेंट लग रहा है, सभी कैरेक्टर्स काफ़ी अलग अलग से हैं। सबसे डिफरेंट कैरेक्टर बिलाल अब्दुल्ला का है, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई इशू है, ठीक है। अभी ड्रामास में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ऐसा थोड़ी है कि लोग उस चीज़ को फॉलो करें, लोग उस चीज़ में गिर जाएं, पड़ जाएं, एंटरटेनमेंट के लिए हैं। किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने क्या क्या दिखाते हैं फिल्मों में, गोलियां वैसे चल रही होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट सीधे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तो वो चीज़ें कहाँ फिर हो जाती हैं सच में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे लो, और जब तक आप सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इन चीज़ों को देखते हो, तभी तक ये चीज़ें सही लगती हैं, और मैं उसी माइंडसेट से देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से वहाज ने इस कैरेक्टर में जान फूकी है, कमाल, मज़ा आ गया यार, आज भी मज़ा आ गया एडिट्स देख के, और वहाज रूल कर रहे थे इन सभी एडिट्स में भी। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करते चैनल को, मुलाकात होती रहेगी अगर सब्सक्राइब करोगे तो। बाय।